सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधार ही मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे। ठीक है, एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो माँ जगज्जननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिकोणाकार अर्थात ट्रेंगल त्रिकोणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को तीन लोक का, राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर शंकर को अपना बना दिया। त्रिगुणाकार एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का, कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए। ठीक है, और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए। ठीक है, जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए? उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण में, दक्षिण की ओर से हम बैठे जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज, उस ओर देखते हुए अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के, शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम के कहाँ बैठते हो? महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे एक सहज भाव। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है, तो तुम लोग कहाँ बैठोगे? ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, ये जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहाँ चाहिए? जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी की खूब पूजन करते, हम तो खूब अनुष्ठान करा पर फल कम क्यों मिला? उसका कारण है पूर्व अभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा थोड़ा समय लगेगा, पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है।
पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए और दक्षिणवर्ती का काल पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितृभाव असुरों को, हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे, तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया महाराज। एक बार बड़ा सुंदर चरित्र, भाव से सुनिएगा, कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जाए। एक बार भगवान भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर विराजमान,